गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिट्टू की रसोई। आज हम बनाएंगे आपके लिए बहुत ही टेस्टी यम्मी मूली का पराठा। कई लोग इसे मूली का थेपला भी बोलते हैं, लेकिन हम मूली का पराठा बना रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही यम्मी टेस्टी लगने वाला है। फ्रेंड्स, तो देखिए हमें इस तरह से इसे कट करना है और इसे हमें दो तीन पानी में अच्छे से वॉश करना है। फ्रेंड्स, जब भी हम मूली की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अलग सा इमेजिन होता है कि मूली मतलब गैस बन रही है पेट में, बट मूली का ऐसा नहीं होता है। गैस नहीं बनती है, मूली खाने से हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है। ये खाने को बहुत ही अच्छे से डाइजेस्ट करती है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, हम बिना देर के फटाफट से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मूली को हमें दो तीन पानी में अच्छे से वॉश करने के बाद हमें इस तरह से इसके छिलके निकालने हैं। और इसे हमें इस तरह से किसना है। आपको कोई भी इस तरह से किसने लेकर आना है और इसे इस तरह से किसना है। आप चाहें तो इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। रेडी से उसे एक के बाद एक में इस तरह से पीस कर लेना है। फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल पे जो भी रेसिपी बनाती हूँ बहुत ही प्यार से बनाती हूँ आप लोगों को। आप मुझे कमेंट करके बताया करिए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। मेरी कोई रेसिपी अच्छी नहीं लगती है तो मैं 1 वीक तक वीडियो नहीं डालूंगी, बट आप मुझे कमेंट करके बताया करिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमें पूरी मूली को घिस लिया है और अब हम इसमें थोड़ा सा 1 स्पून जैसे सॉल्ट डाल के इसे 2 मिनट के लिए 5-10 मिनट के लिए हमें साइड में रखना है। इसे अच्छे से आप पहले मिक्स कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स और इसे इस तरह से देखिए कितना पानी है, उसे हमें निकालना है। इस तरह से दबा दबा कर हमें इसे का पानी निकाल देना है और इसे साइड में रख देना है। ठंड के सीजन में आपने मूली का पराठा नहीं खाया फ्रेंड्स, तो कुछ भी नहीं खाया, तो इसलिए आप ठंड में ये मूली का पराठा बनाइए। अब हम उसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, जीरा, अजवाइन, गरम मसाला, थोड़ा सा हम इसमें चाट पाउडर, थोड़ा सा हम इसमें जीरा पाउडर ऐड करेंगे, भुना हुआ पीसा हुआ। ये मूली के पत्ते हैं आज जो मैंने थोड़ा सा चॉप करके कट करके रखा था, उसे भी हमें मिक्स करेंगे। ये मैं ग्रीन चिली ले रही हूँ, थोड़ा सा कोरिएंडर, धनिया पत्ते ले रही हूँ और इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। और उसमें नॉर्मल पानी डाल के थोड़ा सा हम इसका सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। इसे हल्के हाथों से आपको इसका डो रेडी करना है सॉफ्ट, पानी डाल के थोड़ा थोड़ा।
उठाकर इसे हल्के हाथों से ले लेंगे। आप चाहें तो बिना बेले भी इसे इस तरह से सर्कल बनाकर और उसमें भर सकते हैं जो हमने स्टफिंग रेडी की है। अब हमने जो स्टफिंग रेडी की है उसमें इसे इस तरह से भरना है। इस तरह से और इसे हमें इस तरह से दबाकर चारों साइड से इस तरह से इसकी लोई रेडी कर लेंगे और इसे अच्छे से प्रेस कर देंगे ताकि वो इंग्रेडिएंट्स बाहर ना निकले। और अब हम इस पे फिर से ड्राई आटा लगाएंगे और इसे हल्के हाथों से बेलेंगे। ठंड के सीजन में मूली का पराठा बहुत ही फायदा करता है। आप चाहें तो इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। इस तरह से आपको हल्के हाथों से बेलना है। गैस ऑन करेंगे, फ्राई पैन तवा रखेंगे और इसे 10 मिनट तक के अच्छे से गर्म होने देंगे। हमारा पराठा बन गया है। इसे हमें ऑयल लगा के, आप चाहें तो घी का या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ऑयल का यूज़ कर रही हूँ। दोनों साइड हल्के हाथों से इसमें ऑयल लगाना है, ये देख लेते हैं। और इसे हमें दोनों तरफ अच्छे से सेकना है। जब भी कोई गेस्ट आए तो आप सुपर यम्मी से हेल्दी का मूली का पराठा बनाकर खिलाइए, जो खाने में बहुत ही यम्मी टेस्टी लगने वाला है। फ्रेंड्स, मैं जो भी रेसिपी बनाती हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार से बनाती हूँ। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताया करिए, मुझे अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर यम्मी का पराठा बनके रेडी हो गया। देखिए, खाने में बहुत ही यम्मी है।